शांतनु, जो कोई भी सच्चे दिल से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। शांतनु, अब क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, मत रो। किसे ढूंढ रहे हो तुम? कृष्णा, मेरी नई माँ की रक्षा करो। कृष्णा, उन्हें शेर से बचाओ। तुम्हारी नई माँ? हाँ कृष्णा। वो कहाँ से आई? वो इस जंगल में मुझसे बिछड़ गई है। उन्हें शेर से बचाओ कृष्णा, उनके प्राण संकट में हैं। मेरी ही गलती है, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते उनसे बहुत दूर चला गया और वो अलग हो गई है। वो मुझे ढूंढ रही होगी कृष्णा, बेचारी बहुत डरी होगी। कृष्णा उन्हें बचाओ, उनकी रक्षा करो कृष्णा। कृष्णा, वो इस जंगल के लिए नहीं है, रास्ता भूल गई होगी। शांतनु, तुम बहुत भोले हो। तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी नई माँ तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करती है। अच्छा, तुम्हें कभी कभी मारती भी है ना? ये तुमसे किसने कहा? मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो तुम्हें भरपेट भोजन भी नहीं देती है। ये झूठ है कृष्णा। शांतनु, झूठ तो तुम बोल रहे हो, मैं नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें अपना पुत्र मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बताओ, ऐसी माँ को जंगल में ही रहने दो, वहीं पर अच्छी है। कृष्णा, हो सकता है तुम्हारी नई माँ जानबूझकर जंगल में अकेला छोड़ गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है शांतनु, क्योंकि तुम उसके अपने पुत्र नहीं हो। जंगली जानवर तुम्हें मारकर खा भी जाता तो भी तुम्हारी नई माँ को कोई दुख नहीं होता, बल्कि उससे प्रसन्नता होती। कृष्णा, वो जैसी भी है मेरी माँ है, और माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। भला ही वो हमें मारती है पीटती है, पर उनके दिल में प्यार होता है। यदि तुम मेरे माँ के बारे में ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तोड़ दूंगा अपनी मित्रता तुमसे।
शांतनु, तुम चाहते हो तुम्हारी नई माँ तुम्हें अपना पुत्र माने, तुमसे ही प्यार करे, है ना? सच कहा कृष्णा, कैसा हो सकता है? मेरी नई माँ मुझे प्यार कर सकती है? हाँ, यदि तुम मेरा साथ दो तो। तुम्हें शांतनु को वहां अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने नहीं छोड़ा उसे, वो ही मुझे अकेली छोड़कर चला गया। और तुमने उसे जाने दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारा बच्चे पर ध्यान ही नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा। और ढूंढने का लाभ क्या हुआ? उसे अपने साथ में तो नहीं लेकर आई तुम? अरे, इतना भयंकर जंगल और उसमें इतने भयंकर जानवर है, और वो छोटा सा बच्चा, कितना डर रहा होगा वो। मुझे पुकार रहा होगा, तुम्हें पुकार रहा होगा। बच्चों का अपने माँ बाप पर पूरा विश्वास होता है, तभी वो कोई कदम बढ़ाते हैं। यही सोचकर कि उन्हें संभालने वाला उनका पिता है, उन्हें संभालने वाले उनकी माँ है, हम सब उसके रक्षक हैं। लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। मैं अपने पुत्र शांतनु का विश्वास खो चुका हूं। तुमने मुझे अपने पुत्र की नजरों में गिरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे कहने पर उसे आश्रम नहीं भेजा। इसलिए तुम्हें उसे इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था। हम दोनों से ढूंढने चलेंगे। चलो। कृष्णा, मैं भूख नहीं लगी? तुम्हें भूख लगी है? मेरे प्यारे मित्र को भूख लगी है। तुम इसको फल क्यों नहीं देते हो? कृष्णा, रक्षक ने तुम्हारी बात मान ली। तुरंत फल ले लो, वरना फल वापस चले जाएंगे। मेरे मित्र पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। कृष्णा, क्या हर वृक्ष तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है? हाँ, वृक्ष क्या, हर कोई मेरी आज्ञा का पालन करता है। पत्थर भी तुम्हारा आज्ञा का पालन करेगा? हाँ।
मेरे मित्रों को थोड़ा सा मनोरंजन करवा दो, हवा में लेके चलो। पत्थर उड़ रहा था ना? मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ फल खा रहा था। कृष्णा, तुम मुझसे सच छुपा रहे हो? ये पत्थर ने अभी तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था। कौन हो तुम? तुम इतना भी नहीं जानते? मैं कृष्णा हूँ, तुम्हारा मित्र। शांतनु, शांतनु, लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। शांतनु, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी। शांतनु, 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 ये पिताजी और माँ है। पिताजी। बेटा शांतनु। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? ठीक तो उस दिन होंगी जिस दिन मुझे तुमसे छुटकारा मिलेगा। शांतनु बेटा, तुम्हें देखकर तो हमारी जान में जान आ गई। हाँ, तुमसे अधिक तो हम डर गए थे। पहले मुझे भी डर लगा था, लेकिन कृष्ण आ गया। कृष्ण आया था? हाँ मैया, कृष्ण ने मेरा डर भगाया। शांतनु, बेटा कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो वहां गांव में खेल रहा है ना? नहीं, वो तो मेरे साथ जंगल में है। अभी है, अभी बुलाता हूँ। कृष्णा, आ जाओ कृष्ण, देखो मैया आई है। कृष्ण, कृष्ण कैसे आएगा बेटा? देखो, जब हम तुम्हें ढूंढने के लिए गांव से चले थे, उससे पहले हम नंदराय जी से मिले थे, कृष्ण वहां था। हाँ, नंदराय जी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, कृष्ण मेरे साथ यहाँ है। वो हम सबको सताने के लिए कहीं छुप गया होगा। शैतानी करने में उसे बहुत आनंद मिलता है। पता है, उसने ना वृक्ष को भी आदेश दिया था, फिर वृक्ष फल नीचे गिरे,
और हम दोनों ने बैठकर फल खाए। अच्छा, और कुछ नहीं किया तुम्हारे उस कृष्ण ने? हाँ किया ना, उसने पत्थर को भी आदेश दिया और पत्थर हवा में उड़ा। हम दोनों ने उसमें सैर किए और पत्थर वापस धरती पे आ गया। नंदराय जी, कहीं डर ने इसके दिमाग पर तो असर नहीं किया ना? नहीं पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ चंद्र, हम मानते हैं कि तुम सत्य बोल रहे हो, परंतु देखो ना, तुम्हारे इतने पुकारने के बाद कृष्ण बाहर क्यों नहीं आया? हाँ, यदि वो यहाँ होता तो सामने आता ना। नहीं, वो यही है। वो देखिए, वो पत्थर, उस पर हम दोनों बैठे थे। कृष्ण, कृष्ण, शांतनु, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बस तुम हमें मिल गए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यही मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि तुम सकुशल हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।